दिस इज ज्योत्सना फ्रॉम इंग्लिश इंग्लिश। वेलकम वंस अगेन। आज अगेन हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें। दिस इज पार्ट 10। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज मैंने अपने वीडियो में दो नए सेक्शन ऐड किए हैं। सबसे पहला है मेरा व्यूअर्स सेक्शन और दूसरा है आज का बोनस। आज हम अपना सबसे पहले व्यूअर्स सेक्शन शुरू करेंगे और उसके बाद हमारे डेली यूज सेंटेंसेस। तो अब ये जो हमारा सेक्शन है, ये मैंने नया इंक्लूड किया है कि आप कोई भी मुझे कमेंट करते हो, कमेंट में सेंटेंस पूछते हो कि इसकी इंग्लिश बता दो, उसके लिए आप अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सेंटेंसेस आपको उसका इंग्लिश मीनिंग ज़रूर बताऊँगी। तो हमारा पहला सेंटेंस है, माँ मुझे जूते पहना दो। मॉम प्लीज हेल्प मी वेयरिंग शूज। कई बार बच्चे आपका काम सारा फैला देते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हो तो तुमने मेरा सारा काम फैला दिया। यू स्ट्रूड माई वर्क। तुम्हें आगे बड़े ही होना है या बढ़ना ही है, हाइट वाइज और एज वाइज हम छोटे बच्चों को बोलते हैं, तो यू विल ग्रो वेरी सून। ये प्लेट जूठी है, इसको आप दो तरह से बोल सकते हैं, दिस प्लेट इज ऑलरेडी यूज और दिस इज अ यूज प्लेट। कई बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं जूठा मत छोड़ो, आप बोल सकते हो डोंट लीव द फ्लो, और आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो फिनिश एवरी स्क्रैप। मेरी बेटी कविताएं बोलने लग गई है, माई डॉटर हैज स्टार्टेड रिसाइटिंग राइम्स। तुम्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, यू शुड हैव टेकन द डिसीजन डेलिबरेटली। लाइट चली गई, आप इसको बोल सकते हो तीन तरह से, फार वेंट अवे या फार नहीं तो लाइट लगा सकते हो, लाइट वेंट ऑफ, या आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हो, वर्ड इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। लाइट आ गई, हियर इज द लाइट, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो फार इज बैक, लाइट इज बैक, इलेक्ट्रिसिटी इज बैक। अब हमारे डेली यूज सेंटेंसेस। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा आपकी नकल कर रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आर यू कॉपिंग मी, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है इमिटेट, नकल करने के लिए जब कोई हम किसी दूसरे की नकल करते हैं, आप बोल सकते हो आर यू इमिटेटिंग मी, मेरी नकल मत करो, डोंट इमिटेट मी। कई बार बच्चा आपसे पूछता है कि मामा आप क्या कर रहे हो, मॉम व्हाट आर यू डूइंग। आप सपोज कीजिए कि आप अपनी कंघी कर रहे हो या आप कोई हेयर स्टाइल बना रहे हो, आप कहते हो मैं अपने बाल बना रही हूँ, आप बोल सकते हो आई एम गेटिंग माई हेयर डन। क्या तुमने अपनी कंघी कर ली या क्या तुमने अपने बाल बना लिए, डिड यू गेट योर हेयर डन। मम्मा बोल रही है चलो अब तुम पढ़ोगे, नाउ यू विल स्टडी, पर बच्चा तो खेलना चाहता है, वो कह रहा है कि मैं खेलना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू प्ले। ज़्यादातर मॉम्स ये डायलॉग बोलती हैं कि नहीं मम्मा को पता है तुम्हारे लिए क्या ठीक है, नो बट मम्मा नो व्हाट बेस्ट यू नीड। कई बार क्या होता है कि बच्चा आपका किसी भी बात के लिए किसी दूसरे बच्चे को कुछ नहीं बोलता, तो जो भी दूसरा बच्चा कहता है वो मान लेता है, और आपको कई बार उस पर गुस्सा भी आ जाता है, तो आप उसको पूछते हो तुम इतने डब्बू क्यों हो, तो उसके लिए सेंटेंस है वाई आर यू सो पैसिव। कई बार आपको बच्चे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो आप बोलते हो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, आई विल हंट यू डाउन, मुझे सुस्सू आया है। जनरली अगर अपने घर में बच्चा बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, बट अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो कई बार बहुत ऑकवर्ड लगता है किसी मॉल में, तो आप बच्चे को ये सिखा सकते हो आई नीड टू यूज द वॉशरूम। कई बार क्या होता है कि आपने बच्चे को सुसू करवाया होता है और आप कहते हो क्या तुम्हें फिर से सुसू आया है, डिड यू गेट इन टू ट्रबल अगेन। मान लीजिए बच्चे को नहीं आया दोबारा से सुसू, तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं आया, नो आई एम ऑल राइट। तुम किस पे छुप रहे हो, हुम आर यू हाइडिंग फ्रॉम। तुम क्या छिपा रहे हो, व्हाट आर यू हाइडिंग। तुम कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग समवेयर, एंड That one.
मैंने पोको पैंट की एड तो सबने सुनी है, अच्छी नींद नहीं आए, तो ज़्यादातर मदर्स बोलती हैं कि बहुत अच्छी नींद आए, गुड नाइट। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं गुड नाइट स्लीप टाइट बोनस। तो आज आपके लिए एक बोनस सेक्शन भी है। तो जनरली आप एक वर्ड यूज़ करते हो जब अपने पेरेंट्स साइड जाना होता है मदर्स ने, और बच्चे हुआ बोलते हो नानी हाउस चलें, तो आपको पता है कि ननिहाल जाने को या ननिहाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनी गेसेस? हम बोलते हैं मैटरनल पेरेंट्स हाउस। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज गिव अस अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।